उन्नाव जनपद के मौरवा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पूर्व विधायक अनिल सिंह ने दिया गुप्त मंत्र। अनिल सिंह ने बताया कि कैसे बीजेपी को जिताना है, क्या रणनीति तय करना है और किस तरीके से आपकी मेहनत रंग लाएगी। मौरवा की गलियों में जा जाकर के अनिल सिंह ने मांगी वोट। साक्षी महाराज के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक अनिल सिंह, लगा दिया सम्मान। कहा कि जीत साक्षी महाराज की होगी तो विकास और भी आगे होगा। मौरावन नगर में माही संस्था में विधायक अनिल सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर वेग सेठ, मंडल अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, बूथ अध्यक्षों के साथ व माही संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक का विशेष बिंदु रहा कि कैसे बूथ को जिताना है, बूथ यदि जीतेगा तो उससे किस तरीके से और कितनी वोटों से साक्षी महाराज उन्नाव से विजयी होंगे, इसका गुप्त मंत्र विधायक अनिल सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया और बताया कि बीजेपी जीतेगी और आपकी मेहनत किस तरीके से रंग लाएगी। विधायक अनिल सिंह ने बताया कि मोदी की योजनाओं को घर घर आप लोगों को पहुंचाना है और जो योजनाएं जिन लोगों को मिली हैं उन्हीं पर चर्चा करना है और उनको बताना है। मौरावा नगर पंचायत में पूर्व विधायक अनिल सिंह का वाव नगर पंचायत अध्यक्ष का माला डाल करके स्वागत किया और पूर्ण विश्वास दिलाया कि पूरी तरीके से पूर्व विधानसभा ही नहीं अभी तो उन्नाव में बीजेपी का कमल खिलेगा। आइए देखते हैं पूर्व विधायक अनिल सिंह ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में मिलना है लोगों को अभी और हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, ये बताओ अद्भुत बात है या नहीं। यही सपा थी 20 साल जो कहते हैं कि हम ये करेंगे, यही कांग्रेस हम करेंगे, नहीं किया। 10 साल में मेरी सरकार ने अभियान बनाकर एक एक गांव और एक एक घर तक बिजली कनेक्शन बिजली पहुंचाने का काम किया, किया या नहीं किया, बात यहां पे आपसी बात हो रही, सही है कि नहीं। और जितने 17 से पहले कोई ट्रांसफार्मर खराब होता था तो गांव में लोग चंदा लगाया करते थे, तब कहीं ट्रांसफार्मर महीना दो महीना मिलता था, सही बात है या नहीं, आप उठाकर बताइए। आज क्या तुमको पता चलता है तुम्हारे गांव में ट्रांसफार्मर फूटे हैं? बात क्या भाजपा सरकार से पहले सरकारें थी वो नहीं कर सकती थी क्या? तुम्हारे गांव में बिजली लगवाने का काम करूंगा, दुनिया की भी करते रहे, एक बंबा मांगने खातिर परेशान रहते रहो प्यारे, ये विधायक बन जाए तो भैया खाली ये उपम्बा दे बस समझो तुम्हारा काम होगा, सही है गलत बताओ। 7 दिन आपको अपना अपना बूथ गांव का करना है, वही भी चुनाव लड़ना जैसे हमका लड़ाया था। कॉलोनी बाकी है तो लोग स्वागत देखिए डरा रहे हैं कि जितने जेल गए हमें और जाइए, ऐसा नहीं है। अभी तो हमने 70% काम किया है, 50% काम किया है, आने वाले समय में 100% लोगों का योजना पहुंचा।